या आते तो उनके बचने के लिए खाना उना सब लोग यहीं पे करते हैं, जिससे ना ही उन पर ये ऊपर से ही नुकसान कर पाएंगे। ठीक है, ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ सकते हैं आप लोग कितना। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाने वाले कि विजय रिया ब्लॉग्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि उन लोग हाथियों से बचने के लिए क्या साधन इस्तेमाल करते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि गुम्बद, यहाँ पे गोल सा गुम्बद बचा हुआ है, और आप लोग को यहाँ पे धान देखने को मिल रहा होगा, धान भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो आते हैं यहाँ पे, और हाथियों से बचने के लिए वो गोल घर का कैसे इस्तेमाल करते हैं विजय रिया ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, विजय रिया ब्लॉग कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं ये गुम्बद देख रहा है, एक गुम्बद, दो गुम्बद, ऐसे छह छह सात सात यहाँ पर गुम्बद बना हुआ, छह एक लाइन पे है, छह एक लाइन पे है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हाथियाँ आते हैं तो उनके बचने के लिए खाना उना सब लोग यहीं पे करते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हाथियाँ यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे। आप लोग देख सकते कि हाथी कहाँ पे कैसे जाएंगे, अगर उनका जो सूंड बोलते हैं उनको, अगर वो भी अगर अंदर तक जाते हैं तो ये इतना लंबा है, इतना लंबा है कि अगर वो बीच में बैठे रहते हैं तो हाथियाँ कभी नहीं जा पाएंगे, ना ही उन पर ये ऊपर से ही नुकसान कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इस घर का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, कि अगर हाथियाँ आ जाती है तो मजबूरी में उनको ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ सकते हैं आप लोग कितना मुश्किल होता होगा। और उन्होंने अपने वीडियो पे भी बताया है कि कैसे वो अपना काम करते हैं इस गुम्बद पे, और कैसे कैसे रहते हैं। आप आसानी से अंदर घुस सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, देख सकते हैं लोग ऐसे हैं, पर ऐसे वीडियो बनाए, आप लोग टाइटल थंबनेल देखे होंगे, और काफी बड़ा है, लोग सोच सकते हैं आराम से, उसे कोई दिक्कत वाली का बात है यहाँ पे नहीं है, लेकिन यही आप सोच सकते हैं कि कैसे वो अपना जीवन इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए इस गुम्बद को, और कितना सेफ्टी से वो रह सकते हैं। ठीक है, वो चीज मैंने आप लोग यहाँ पे दिखाया कि विजय रिया ब्लॉग कैसे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उनका ये गुम्बद आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सच भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गुम्बद है सरकार द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन वो लोग वीडियो में बताते हैं कि मेरे द्वारा ये गुम्बद बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पुल है। जी हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक पुल है, पुल पे ही यहाँ पे रहते हैं, जो छोटा गुम्बद आपको दिख रहा है इसमें रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी जानकारी दी है कि अगर आप हाथियों से बचना चाहते हैं, अगर आप लोग गांव के एरिया से देख रहे हैं, अगर हाथियों से बचना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे जो भी आपका पुल बना हुआ होगा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग रहने के लिए। ठीक है, आप लोग रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है ना। उसके बाद हाथी आपको कोई भी नुकसान ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हाथी आती है तो अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो इसीलिए आप लोग इससे पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गाँव में तो पुल होगा ही होगा, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही छोटी सी थी, विजय रिया ब्लॉग भी और काफ़ी सारे जो गांव के जो विलेज के जो यूट्यूबर लोग हैं इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए, अपने धान को बचाने के लिए, क्योंकि धान की खेती वो लोग करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, बस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। ऐसी और जानकारी है और आपको यूट्यूबर लोग से भी मिलवाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख भी सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।